नजर रखब एक गुरुत्वपूर्ण खबरे प्रधानमंत्री निरापत्ता भंगेर घटनाय तीन सदस्य कमिटी गठन करल पंजाब सरकार। तीन दिन मध्य उच्च पर्यायर कमिटी रिपोर्ट देबे। प्रधानमंत्री निरापत्ताय कोनो गलत छिलो किना से विषय खतिए देखा होबे एबं एई कमिटी उच्च पर्यायर एई कमिटी सार्विक दिकगुलो खतिए देखबे। आगामी तीन दिन मध्य एई कमिटी रिपोर्ट देबे एमनटाई जानते पारा जाच्छे। आपनारा जानेन गतकाल पंजाबे फिरोजपुरे तार सभा छिलो, सेई सभार उद्देश्ये जखन जाच्छिलेन सेई समय कृषकदेर आंदोलनेर जेरे प्रधानमंत्री जे कनभय सेई कनभय आटके जाय এবং তারপরেই বেশ কিছুক্ষণ সেখানে আটকে থাকে। ফ্লাইওভারের উপরেই আটকে থাকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি সমেত পুরো কনভয় টিম। এবং স্বাভাবিকভাবে এই এই ঘটনার জেরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনো গলদ ছিল, বড় সরো গলদ। এবং বিগত বেশ কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এই ধরনের গলদ দেখা যায়নি, এই বিষয়টাও সামনে আসে। যদিও এ বিষয় সত্যি কোনো গলদ ছিল কিনা সে বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য পাঞ্জাব সরকার তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। উচ্চ পর্যায়ের এই কমিটি আগামী তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখব প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনায় কোনো গলদ ছিল কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখবে উচ্চ পর্যায়ের তিন সদস্যের কমিটি। পাঞ্জাব সরকার এই কমিটি গঠন করেছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখব পাঞ্জাব সরকার তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনায়। উচ্চ পর্যায়ের এই কমিটি আগামী তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গলদ ছিল কিনা সেই বিষয়টা সার্বিকভাবে খতিয়ে দেখার পর রিপোর্ট দেবে এই কমিটি, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। নীরজ ঠাকুর আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন, টেলিফোনে কথা বলবো তার সঙ্গে। নীরজ, কে জানকারি হে? जी देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की है। जो जो लैप्सेज हुए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पिछले कल पंजाब में, उनकी जांच करेगी और ये सारो प्रोब होगी जिसमें इसमें ये देखा जाएगा कि आखिर किसकी गलती थी और कौन इसके लिए दोषी है। हालांकि कल SSP पर गाजगिरी की, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी हाई लेवल कमेटी है ये इंक्वायरी करेगी कि ये कमेटी जो है वो जस्टिस रिटायर्ड जो है मेहताब सिंह गिल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर और जस्टिस अनुराग वर्मा, ये तीन लोगों की कमेटी है जो इस पर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो तीन दिन के अंदर जो है वो सरकार को देगी और जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीरज, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कल ही कहा था कि वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार ने कहा कि किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, मैं तो प्रधानमंत्री पर कोई हमला किया गया था। देखा जाए तो एक तरह से अभी इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जब पंजाब के CM ने कल ये कहा कि वो किसानों पर लाठियां नहीं चला सकते जब, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वो जान भी दे सकते हैं, तो उसी वक्त समझ आने लगा था कि अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। किसानों के पक्ष में पंजाब सरकार जो है अपना जो है सामने खड़े रहने का एक तरह से बता रही है, वो किसानों के साथ है। और बाकी BJP की तरफ से भी जिस तरह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, जिसको साफ किया कि कोई हमला नहीं इससे हुआ था पंजाब सरकार की तरफ से। नीरज, और एक बात इससे सामने आती है कि पंजाब सरकार की तरफ से तो ये कहा भी गया था कि देखिए वहाँ पे जो किसान संगठन है वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा का जो इंतजाम करते हैं उन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन था। जी देखिए, पंजाब सरकार की यही सफाई है अपनी तरफ से कि ये पहले बता दिया गया था कि किसान यहाँ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कई दिन से लगे हुए हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने एक बार उनको वापस भी भेज दिया था उनसे बात करके, लेकिन उसके बावजूद जो किसानों की मांगे थी, जैसे सारे किसानों के ऊपर जो केसेस हैं दिल्ली पंजाब में वो वापस लिए जाए, हरियाणा में वो वापस लिए जाए, और जो कंपनसेशन है जो किसान मारे गए उनका वो मामला था, तो इन मांगों को लेकर वो लगातार पंजाब में भी प्रदर्शन कर रहे थे। और इस पंजाब सरकार का कहना है कि इसकी जानकारी केंद्र को दे दी गई थी। जी नीरज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी सामने आ रही है क्योंकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो साफ तौर पे ये कल कहा था कि वहाँ पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपना जो रूट वो अचानक से चेंज किया, ये भी सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, ओरिजिनली प्रधानमंत्री को चौपर से फिरोजपुर जाना था और वहां के कार्यक्रम निपटाने के बाद उनको फिर वहां जाना था जहां के शहीदों का स्मारक है उस जगह उनको जाना था, लेकिन बाय रोड ये जाने का फैसला लिया गया। कहा गया कि खराब वेदर की वजह से ये फैसला लिया गया और 111 किलोमीटर का रास्ता है, करीब 2 घंटे इसमें लगते हैं और प्रधानमंत्री के लिए वो पूरे रोड को सिक्योर किया जाना जरूरी था। और लेकिन सरकार का ये कहना है कि आखिर मिनट पे ये हुआ और जितना उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि वो जितना कर सकते थे किया गया, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान उन पर पंजाब सरकार जो है लाठियां गोलियां नहीं चला सकती। जी शुक्रिया नीरज। नीरज ठाकुर हमारे प्रतिनिधि छिलें टेलीफोने। আমরা যে খবরে নজর রেখেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর, গতকাল পাঞ্জাবে মুখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা ঘটে সেই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে পাঞ্জাব সরকারের তরফে, এবং 3 সদস্যের এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি আগামী 3 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। নিরাপত্তায় গলদ ছিল কিনা সে বিষয়টা সার্বিকভাবে খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।